हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ NCERT कक्षा 3 की मैथ्स वाली बुक। और आज का जो चैप्टर है वो हमारा 7th चैप्टर है, ठीक है। और हमारे चैप्टर का नाम है समय समय की बात। अगर आपका चैप्टर बड़ा हुआ तो हो सकता है इसके दो पार्ट हों, नहीं तो मैं इसी पार्ट में पूरा चैप्टर जो है आपका ख़त्म कर दूँगी। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर 7, जिसका नाम है समय समय की बात। तो यहाँ पे लिखा है यह कहानी समय के गोलमाल की है। तो ये जो कहानी है किसके गोलमाल की है? समय के गोलमाल की है। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे लिखा है, तो ये यहाँ पे क्या लिखते हैं, जैसे ही सूरज डूबा सुमना जागी। भाई ये तो गलत बात हो गई। सूरज डूबता है तो हम लोग जागते हैं कि सोते हैं? सूरज डूबने के बाद हम लोग सोते हैं ना। तो यहाँ तो कुछ गड़बड़ है समय को लेकर, इसीलिए ये कह रहे हैं कि गड़बड़ है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये कहते हैं क्या शानदार शाम है, मतलब वो जब जागी तब क्या बोली, क्या शानदार शाम है। तो जहाँ पे गड़बड़ है वहाँ पे इन्होंने पिंक कलर से लिख दिया है। आगे देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं फिर इसको सही कराएंगे। उसने 2 घंटे डैश में तेज़ी से अपना चेहरा साफ किया। भाई 2 घंटे में थोड़ी ना कोई अपना चेहरा साफ करता है, ये भी कुछ गड़बड़ है। 2 घंटे की जगह पे कुछ और होना चाहिए। फिर कहते हैं और बाहर निकल पड़ी। वह पिछले कुछ महीनों से अंडे को देख रही थी। तो ये क्या कह रहे हैं, पिछले कुछ महीनों से अंडों को देख रही थी। भाई अंडों को देखने के लिए महीनों की ज़रूरत नहीं होती है। फिर वो कहते हैं वह चिड़िया के बच्चों के बाहर आने का इंतज़ार कर रही थी, पर पलक झपकने से पहले ही 1 हफ्ते में एक बिल्ली पेड़ पर कूदी। 1 हफ्ते में थोड़ी ना कूदेगी बिल्ली, ये भी कुछ गड़बड़ है। चिड़िया की माँ ज़ोर से चिल्लाई और सुमना दौड़ी ताकि बिल्ली को भगा सकें। फिर क्या हुआ, जैसे ही बिल्ली कूदी एक बड़े आम से टकराई, धम। फिर क्या हुआ, 2 दिन में वह ज़मीन पर आ गिरा। भैया अगर कोई गिरेगा तो 2 दिन में थोड़ी ना ज़मीन पे नीचे गिरेगा के। हमारी पृथ्वी है, इसमें भी कुछ गुरुत्वाकर्षण होता है, इतना टाइम थोड़ी ना लगेगा। फिर वो क्या कहती है, ओह हो ये तो गलत हुआ, अभी तो ये पूरा पका ही नहीं था। इसे और क्या कहते हैं, एक मिनट, इस हाँ आप सही है, इसे पक कर मीठा होने में बस 1 साल और लगता। मतलब कोई आम मीठा कब होगा, मगर मतलब कि पकेगा कब, 1 साल में, ऐसा तो नहीं होता। अचानक सुमना की बहन ने उसे बुलाया, क्या तुम्हें अभी तक भूख नहीं लगी, क्या तुम्हारे पेट की घड़ी बंद हो गई है, आओ रात के खाने में गर्मा गर्म उपमा खाएं। तो भाई रात के खाने में उपमा कुछ सही नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे गड़बड़ है। जो पिंक वर्ड लिखे हैं पिंक कलर के, उनमें कुछ गड़बड़ है। अब ये कहते हैं है ना मज़ेदार, तुमने समझ लिया होगा कि कहानी में रंगीन शब्द गलत थे। हाँ भाई अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कहानी में जो रंगीन मतलब पिंक कलर के जो वर्ड थे वो गलत थे। उनकी जगह नीचे दिए गए बॉक्स में से सही शब्दों को चुनो और गलत शब्दों के आगे खाली जगह में भरो। जैसे कि यहाँ पे दिनों दिखा है, उगा लिखा है, सेकेंड दिया है, सुबह दिए है, नाश्ता दिया है, फल दिए, पल दिए, सॉरी फल नहीं पल, मिनट दिया है और हफ्ता दिया है, ठीक है, इस तरीके से ये दिया है। तो उम्मीद है आपको सबको समझ में आ रहा होगा कि करना हमको क्या है। तो क्या करना है हमको, यहाँ पे लिखा है जैसे ही सूरज डूबा, डूबा नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा, उगा। जैसे ही सूरज उगा, ये भाई हमारा डिजिटल पेन है तो थोड़ी सी गड़बड़ी होगी, आप समझ जाना जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान देना, ठीक है। तो जैसे ही सूरज उगा सुमना जागी, क्या शानदार शाम नहीं, यहाँ पे क्या होगा, क्या शानदार सुबह है, ठीक है। अब ये कहेंगे उसने 2 मिनट में, ठीक है,
तेज़ी से अपना चेहरा साफ किया। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं मिनट होगा कि महीने होगा, आइए देखते हैं। तो सेकेंड है, मिनट भी है। ठीक है, अब हमको देखना है कि यहाँ पे मिनट आए, उसने तेज़ी से अपना चेहरा साफ किया है, तो तेज़ी से मतलब सेकेंड में, दो सेकेंड में अपना चेहरा साफ किया। ठीक है, फिर कहती है और बाहर निकल पड़ी। वह पिछले कुछ महीनों से अंडे को देख रही थी, तो महीनों तो नहीं होगा, कुछ दिनों से अंडों को देख रही थी। ठीक है, कुछ दिनों से अंडों को देख रही थी। वह चिड़िया के बच्चों के बाहर आने का इंतज़ार कर रही थी, पर पलक झपकने से पहले ही एक बिल्ली पेड़ पर कूदी। चिड़ियों की माँ जोर से चिल्लाई और सुमना दौड़ी ताकि बिल्ली को भगा सके। जैसे ही बिल्ली कूदी, वह एक बड़े आम से टकराई और धम करके गिरी। फिर दो तो भाई यहाँ पे जो दो दिन लिखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, दो सेकेंड में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दो सेकेंड आएगा, और ऊपर जो था यहाँ पे एक मिनट और सेकेंड में कंफ्यूजन था, उसने दो मिनट में तेज़ी से अपना मुँह धुला। ठीक है, तो यहाँ पे मिनट जो है वो ज़्यादा सही लगेगा, और भाई कोई गिरेगा तो सेकेंडों में तो गिरेगा ना, तो यहाँ पे सेकेंड जो है वो ज़्यादा फिट लग रहा है, इसलिए तो यहाँ पे दिन को काट के यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, दो सेकेंड में वह ज़मीन पे गिरा। ओहो, ये तो गलत हुआ, अभी तो ये पूरा पका भी नहीं था, इसे पक कर मीठा होने में बस एक साल नहीं, एक हफ्ता, ठीक है, पकने में एक हफ्ता और लगता। अचानक सुमना की बहन ने उसे बुलाया, क्या तुम्हें अभी तक भूख नहीं लगी, क्या तुम्हारा पेट की घड़ी बंद हो गई है, आओ रात के खाने, रात के खाने नहीं, नाश्ते में गर्मा गर्म उपमा खाएं। ठीक है, तो नाश्ता हमारे यहाँ पे हो जाएगा। इस तरीके से सारे जो हैं हमारे भरने के लिए सारे हमने भर दिए। अब आगे चलते हैं, अब आगे क्या कहते हैं, अब आगे ये कहते हैं इसमें कितना समय लगेगा, मतलब ये जो काम हो रहा है इसमें समय कितना लगेगा। तो बात करते हैं समय की, तो देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। पहले तो मैं हाँ, यहाँ पे लिखा है, क्या तुमने किसी को स्वेटर बुनते हुए देखा है। स्वेटर मतलब जो आप पहनते हैं, अब तो सभी लोग बुने हुए स्वेटर तो कम ही पहनते हैं, पर खरीदे हुए ज़्यादा पहनते हैं। फिर भी तुमने किसी ना किसी को देखा तो होगा ही, या किसी को कपड़ा बुनते हुए। कभी किसी कुम्हार से यह जानने की कोशिश करो कि एक बर्तन बनाने में कितना समय लगता है। तो एक बर्तन बनाने में कितना समय लगता है, ये कोशिश करनी है हमको बनाकर देखने में, या किसी को देखिए और टाइम देखिए कि उसको कितना समय लगा है। या भी बताओ कि तुम्हें नहाने में घंटों लगते हैं या कुछ मिनट। भाई नहाने में घंटों तो बहुत ही कम ही लगते होंगे, ठीक है, बहुत कम ही लोगों को लगते होंगे, पर कुछ मिनट में ही लोग नहा लेते हैं। कहीं तुम्हें नहाए हुए साल तो नहीं गुजर गए, मतलब कि ऐसा तो नहीं होगा कि आपने सालों से नहीं नहाया होगा, नहाते होंगे आप, रोज़ नहाते होंगे। बाहर ना बहुत अच्छी बारिश हो रही है, मज़ा आ रहा है। तो आपको एक और बात बता दें, आपका जो चैप्टर है दो पार्ट्स में कवर कराऊंगी, क्योंकि बड़ा चैप्टर है। ठीक है, मैं अच्छे से डिटेल से समझाती हूँ ना, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो दो पार्ट्स में हो जाएगा, आपको कोई टेंशन तो नहीं है ना। तो ये सब बातें आपसे इन्होंने कही। अब क्या कहते हैं, उन अलग अलग कामों के बारे में सोचो जिनमें अलग अलग समय लगता है। तालिका बनाओ, कितना लंबा बना सकते हो, वही तालिका बनानी है जैसे कि इन्होंने बनाई है। मिनटों में होने वाला काम, जैसे नहाना हुआ, दूध उबालना हुआ, और हम क्या कर सकते हैं, पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे घंटों में होने वाला काम जैसे कि है कमीज़ की सिलाई, दही जमना, एक दिन का स्कूल, ठीक है, और दिनों में होने वाला स्वेटर बुनना, साड़ी बुनना, केले का पकना, और घर का बनना, ठीक है। और घंटों में काम जो होता है, जैसे कि हम स्कूल का पूरा चैप्टर कवर करते हैं, मतलब पढ़ाई करते हैं, अगर पूरा चैप्टर पढ़ना है तो घंटे तो लगे ही,
ठीक है, अगर हमें कोई क्वेश्चन याद करना है तो उसमें कुछ मिनट लगेंगे, मतलब क्वेश्चन याद कर पूरा आंसर याद करना, एक आंसर याद करना उसमें मिनट लग सकते हैं। और आपको क्या बताएं, हाँ हम आप देख सकते हैं कि तो भाई आपने ऐड तो सुना होगा ना, 2 मिनट में मैगी बनाएं तो मिनटों में मैगी बन जाती है, घंटों में अगर बात करते हैं तो बढ़िया सी बिरयानी बनाएंगे तो 1 घंटा तो आपको लगाना ही लगाना है। और दिनों की बात करते हैं तो आम पापड़ आपको अगर बनाना है तो उसमें कई दिन लग सकते हैं। इस तरीके से आप सोच के कुछ भी लग सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं तो आगे यहाँ पे लिखा है, ऐसे और काम सोचो, कुछ जल्दी होने वाले, कुछ धीरे होने वाले, ठीक है। ऐसे मतलब आपको बहुत सारे काम सोचने हैं। अब सेकंड में होने वाले वो भी हमको सोचने हैं। मेरा पलक झपकना, तो पलक जो होती है सेकंडों में ही झपकती है, सेकंड से भी कम टाइम लगता है। मेरा चुटकी बजाना, चुटकी में भी सेकंड लगता है। मेरा दवाई निकलना, उसमें भी सेकंड लगते हैं। और मेरा पेड़ से गिरना, उसमें भी सेकंड लगते हैं। मेरा नीचे से पड़ा हुआ कागज़ उठाना, उसमें भी कुछ सेकंड लगते हैं। दरवाजे बंद करना, उसमें भी कुछ सेकंड लगते हैं। ऐसे ही कुछ काम होते हैं जिसमें कुछ सेकंड लगते हैं। पीछे का जो शोर आ रहा है आप उस पर ध्यान मत देना, जो मैं पढ़ा रही हूँ प्लीज़ उस पर ध्यान देना, ठीक है। फल का पेड़ नीचे से गिरना, इसमें भी कुछ सेकंड लगते हैं। अब यहाँ पे आ रहे हैं महीनों में होने वाले काम, जैसे गेहूँ की फसल का बढ़ना, बीज से पौधे तक, गर्मी से सर्दी का मौसम आना, छोटू का अपनी माँ के पेट से बाहर आना, और छोटे बच्चे से बड़ों का बड़े होना, मतलब छोटे ही आप कह सकते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं सबसे पहले रोते हैं, रोने से रोने के बाद वो बलबलाते हैं, मतलब ब ब ब ब द द द द ये सब करते हैं ना, उसमें भी कुछ महीने ही लग जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे काम हैं आप कह सकते हो। और हाँ, कुछ दिनों में, दिनों की बात करते हैं तो जैसे कि साइकिल है होती है जो हम कुछ दिनों में ही सीख जाते हैं, महीने नहीं लगते हैं, कुछ दिनों में ही सीख जाते हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं यह काम तो मिनटों का होना चाहिए, जैसे कि टॉयलेट, हाँ टॉयलेट में भी कुछ मिनट ही लगने चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अब ये कहते हैं कितनी तीलियाँ, ठीक है, कितनी तीलियाँ हैं ये भी देख लो, लपकने से पहले इस खेल को खेलो। तो आइए देखते हैं क्या खेल है। हवा में पत्थर फेंको, इसे लपकने से पहले एक बार ताली बजाओ। अब लपकने से पहले 2 बार ताली बजाओ, ठीक है, उसके बाद ताली और बढ़ाते जाओ। पत्थर को पकड़ने से पहले तुम कितनी बार ताली बजा सकते हो, मतलब क्या करना है कि एक पत्थर है आपको हवा में फेंकनी है, जैसे ही वो हवा में गया आप एक ताली बजाओ, ठीक है। आपने एक टास्क पूरा कर लिया, फिर आपने वो पत्थर वापस आया उसको आपने पकड़ लिया, अगली बार आपने फेंका तो आपने कितनी बार ताली बजाई, 2 बार ताली बजाई, ठीक है। और जैसे ही पत्थर आया आपने उसको लपक लिया, पकड़ लिया, ठीक है। अब फिर अगली बार आपने क्या किया, फिर आपने पत्थर फेंका, फिर इस बार आपने 3 ताली बजाई, ठीक है, कितनी ताली बजाई, 3 ताली बजाई। फिर पत्थर जब वापस आया आपने तुरंत उसको पकड़ लिया। इस तरीके से आपको ही ये टास्क करना है, आप कितनी तालियाँ बजा सकते हो और पत्थर भी पकड़ पाओ, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया। अब आगे ये क्या कहते हैं, ता थई, अलग तरह से बजाओ। अब अलग तरीके से हमको ताली बजानी है, 2 बार ताली बजानी है और कहना है 1 2, ठीक है। फिर हमको ताली बजाना है, अब कहना है 1 2 1 2 1 2। या कहो तो ता थई ता थई ता थई, मतलब 1 2 कहो या ता थई कहो, मतलब क्या करना है कि एक बार तुम्हें ताली, 2 बार ताली बजानी है, फिर तुमको ता थई बोलना है, फिर ताली बजानी है, फिर ता थई बोलनी है, फिर ताली बजानी है 2 बार, फिर कहनी है ता थई, इस तरीके से आपको करना है। फिर अब क्या कह रहे हैं, अब अपना पैर भी ज़मीन पर पटको और बोलो बायां दायां बायां बायां दायां बायां दायां, और मतलब अब आपको क्या करना है, पैर पटक के ज़मीन पे बोलना है बायां दायां बायां दायां बायां दायां। अब 3 ताल में ताली बजानी है, मतलब 3 ताल में तुमको ताली बजानी है, कैसे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और तुमको बोलना क्या है, ता थई तत ता थई तत। ये आपको इनडायरेक्टली क्या सिखाया जा रहा है, कत्थक सिखाया जा रहा है, ठीक है। क्या तुम लोग मतलब अपना पैर ऐसे पटक सकते हो बायां दायां बायां बायां दायां बायां, मतलब आप मान लो ये हो, ठीक है, ये कौन है, आप है, ठीक है। तो आपका बायां पैर कौन सा है, ठीक है, ये आपकी आईज हैं, ठीक है, ये आपका मुंह है, ठीक है, ज़्यादा अच्छा ना मिला है कोई बात नहीं। तो बायां आपका कौन सा है, बायां आपका ये हो गया,
और दायां आपका ये हो गया, ठीक है। तो एक बार आपको बायां पैर पटकना है, फिर दायां पैर पटकना है, फिर ये वाला पैर पटकना है, इस तरीके से आपको करना है 3 बार। फिर कहते हैं इनमें से कितने बच्चे ताली के साथ बोलते हुए पैर भी पटक सकते हैं। फिर आपको क्या करना है कि ताली के साथ भी आपको पैर पटकना है, ठीक है। ये आपको काम करने हैं, कुछ पढ़ाने वाला नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको ऐसे ही एक एक्टिविटी के लिए आपके लिए बताया गया, मतलब आपको कुछ करने के लिए बताया गया, आपके पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। फिर आप कहते हैं पता लगाओ, तो क्या पता करना है, क्या तुमने लोगों को तबला या ढोल बजाते हुए सुना, पता लगाओ कि वे किस किस तरह के ताल बजाते हैं, या भी पूछो इन तालों में कौन से बोल सक कहते हैं। तो भाई ये जो तबला बजाते हैं उनसे आपको पूछना पड़ेगा कैसे बजाते हैं और किस ताल पे क्या वो क्या उनका राग होता है, भाई जो भी होता है उनका, ये सब आपको उनसे पता करना पड़ेगा। ये भाई ये तो मुझे आता नहीं है तो मैं ये आपको बता भी नहीं सकती, इसके लिए सॉरी। अब क्या कहते हैं, हम कितने बड़े हैं, तो ये भी पता करना है। अपनी नानी, अपनी माँ, अपनी उम्र का पता लगाओ खाली जगह भरनी है, तो क्या करना है, अपनी नानी और अपनी मम्मी और अपनी उम्र का पता लगाना है। तो जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बताया है हम कितने बड़े हैं, तो ये कौन है, मान लो ये आप हैं, ये आपकी मम्मी हो, ये आपकी नानी है, तो इनकी आज उम्र कितनी है, मान लो इसकी उम्र है तो आप कौन सी क्लास में, 3rd क्लास में हैं, तो आप होंगे 7 साल के, 7, ठीक है, 7 नहीं तो 8 साल के तो होंगे ही होंगे, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, ये मेरी माँ के पैदा होने पर मेरी नानी की उम्र क्या थी, तो मेरे पैदा हो पहले पहले तो आपको अपनी, मैं इसको जूम हटा देती हूँ, ठीक है, अब ये सही है ना। तो अब क्या कह रही हैं, ये मान लो इसकी उम्र आज 8 है और मैं आज मेरी माँ की उम्र मान लो 30 मान लो, ठीक है, माँ की उम्र 30 है, ठीक है, नानी की उम्र मान लेते हैं 50, ठीक है, नानी की उम्र 50 हो गई, ओके। तो अब ये क्या कहते हैं, यहाँ पे मेरे पैदा होने पर मेरी नानी की उम्र क्या होगी, तो मैं पैदा हुई जब हुई थी 8 साल पहले पैदा हुई थी, तो नानी की उम्र में से बता देंगे 8 साल, 50 में से 8 घटाएंगे, भाई डिजिटल पेन है तो ज़्यादा सही काम नहीं कर रहा है, तो मतलब 42 साल की मेरी नानी होंगी मेरे पैदा होने पर, सॉरी यहाँ पे लिखा है मेरी माँ के पैदा होने पर नानी की उम्र, मैंने सोचा कि यहाँ पे लिखा है मेरे पैदा होने पर, तो मेरे माँ के पैदा होने पर उम्र पूछ रहे हैं, तो ये भी देख लीजिए यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, मेरे पैदा होने पर नानी की उम्र क्या निकली थी, 50 में से 8 घटाया था तो क्या आया था, 42 आया था, तो यहाँ पे 42 हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं मेरी माँ के पैदा होने पर नानी की उम्र, ठीक है, तो हमको क्या बताना है, मेरी माँ के पैदा होने पे मेरी नानी की उम्र, तो मेरी नानी की उम्र क्या है, 50, मेरी माँ की उम्र क्या है, 30, ठीक है, तो 50 में से जब 30 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 20 बचेगा, 50 में से जब 30 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 20, मतलब माँ जो नानी की उम्र जो मम्मा पैदा हुई थी है तब कितनी उम्र थी, 20 साल थी। अब हमारा ये भी हो गया, अब क्या देखते क्या बचा है, ये बचा है, इसमें क्या कह रहे हैं कि मेरे पैदा होने पर मेरी माँ की उम्र, तो मेरे पैदा होने पर मेरी माँ की उम्र है प्रेजेंट टाइम में 30, और जब मैं पैदा हुई थी 8 साल पहले मतलब कि 22 साल उम्र थी, ठीक है। फिर यहाँ पे उन्होंने एक पहेली दी है, देखते हैं भाई पहेली क्या है, इन्होंने कहा है इरफान की माँ उससे दुगनी उम्र की है, मतलब इरफान जो है उसकी उम्र से उसकी जो माँ है दुगनी है, और वहाँ उससे 20 साल बड़ी भी है, ठीक है, तो वह उससे 20 साल बड़ी भी है, इरफान और उसकी माँ की उम्र का अंदाज़ा लगाओ, तो ये हमको करना है, तो सिंपल सा इस बात का आंसर क्या हो जाएगा, ये कह रहे हैं उसकी जो माँ है उससे कितनी दुगनी उम्र की है, और मतलब उसकी माँ कितने साल बड़ी है, 20 साल बड़ी है, मतलब 20 साल बड़ी है और दुगनी भी बोल रहे हैं, तो मतलब दुगनी भी बोल रहे हैं,
तो उसकी माँ की उम्र क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी, और इरफान की उम्र क्या हो जाएगी, 20 साल हो जाएगी। ठीक है, मतलब 20 का दुगना 40, और 20 बड़ी भी है। ठीक है, तो माँ की उम्र क्या है, माँ की उम्र हो गई 40 और इरफान की उम्र हो गई 20, तो 20 का दुगना भी है 40 और 20 से 20 ज़्यादा भी है 40। इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। अब ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देख लो, ये कह रहे हैं जब से तुम्हारा जन्म हुआ कितनी बार पूरा चाँद निकला होगा। तो भाई चाँद जो होता है पूरा कितनी बार होता है, चाँद जो होता है एक महीने में एक बार पूरा होता है। ठीक है, तो एक महीने में एक बार पूरा होता है, और मान लो आपकी उम्र 8 साल है। ठीक है, आपकी उम्र 8 साल है, तो 12 एक साल में कितने महीने होते हैं, एक साल में होते हैं 12 महीने। कितने होते हैं, 12 महीने। तो 12 महीने मतलब एक साल में कितनी बार चाँद निकला है, 12 बार पूरा। एक साल में 12 बार चाँद निकला है पूरा, तो 8 साल में कितनी बार निकलेगा। ठीक है, तो 8 को 12 से गुणा कर दो, 96 मतलब 96 बार पूरा चाँद निकला होगा 8 साल में। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं जन्म प्रमाण पत्र। अब भाई जन्म प्रमाण पत्र क्या है, ये भी देख लो, प्रिंसी का जन्म प्रमाण पत्र देखो। यहाँ पे केरला सरकार का है, केरला सरकार का है जन्म प्रमाण पत्र। ये कहते हैं यह प्रमाणित किया जाता है कि यह सूचना जन्म के मूल रिकॉर्ड से ली गई है, जो कि वर्ष 2002 के कोटायम पंचायत से रजिस्टर दर्ज है। नाम क्या है, बिंसी थॉमस जैकब, और लिंग क्या है, स्त्री। तारीख क्या है, कब पैदा हुई थी, जन्म तारीख 2/5 मतलब तो दूसरी तारीख, 5वां महीना मतलब जनवरी। आइए आपको बताते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो 5वां महीना कौन सा हुआ, मई, मतलब 2 मई सन 2002 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्या कहते हैं, ये जन्म स्थान क्या है, कदम पूजा अस्पताल, और पिता का नाम टेकअप थराकन, माता का नाम लॉरा थॉमस, और पंजीकरण की तारीख क्या है, 2/5/2002 मतलब जिस दिन पैदा हुई उसी दिन की तारीख है, और पंजीकरण संख्या है 815/02। इस तरीके का ये जन्म प्रमाण पत्र दिया गया है। तो अब क्या है, अब ये आगे कहते हैं कि 2/5/2002 से पता चलता है क्विंसी का जन्म 2 मई। ठीक है, 2 मई, इसको मैं इंग्लिश में लिख रही थी पर आपको मैं हिंदी में लिख के दिखाऊंगी, 2 मई 2002 में हुआ था। ठीक है, और क्विंसी को 2 मई 2008 को कितने साल की हो जाएगी, तो 2002 में हुई थी ना, अब 2008 की बात कर रहे हैं, तो 2002 को घटा देंगे 2008 से, तो कितने साल, 8 में से 2 गया 6, बाकी तो कट जाएंगे सारे, हट जाएंगे क्योंकि घट जाएंगे पूरे, तो मतलब कितने साल की हो जाएगी, वो हो जाएगी 6 साल की। यहाँ पे हमारा मई था। अब आगे क्या कहते हैं, वह 2052 में कितने साल की हो जाएगी, तो 2052 में कितने साल की हो जाएगी, ये भी देख लेते हैं। 2052 है हमारा, 2052 में से 2002 घटा देंगे, तो 2 में से 2 गया 0, 5 में से 0 गया 5, और 2 में से 0 गया 0, 2 में से 2 गया 0, तो कितने साल की हो जाएगी, 50 साल की हो जाएगी, जब 2052 आ गया, कितने साल की हो जाएगी, 50 साल की हो जाएगी। अब क्या कहते हैं, वह किस तारीख को 8 साल की हो जाएगी, तो किस तारीख को 8 साल की होगी, तो क्या कर देंगे हम, 2002 जो है, ठीक है, उसमें हम 8 साल जोड़ दें। ठीक है, जोड़ दें, तो 8 2 10 होता है ना, और 0 की जगह 0 हो जाएगा, और तो मतलब सन 2010 में वो 8 साल की हो जाएगी। इस तरीके से हम ये कर देंगे। और आपको एक बात बता दें, इस वीडियो के ना, इस मतलब आपके जो चैप्टर है, इसके 2 पार्ट हो जाएंगे। भाई आपका चैप्टर काफ़ी लंबा है अभी मैंने देखा, तो 2 पार्ट तो होने ही होने हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। आगे हमारा 5वां क्वेश्चन है, विंसी 2 अगस्त 2002 को कितने महीने की थी, 2 अगस्त 2002 को। ठीक है, ये कह रहे हैं 2 अगस्त का मतलब क्या होता है, मई में 5वां महीना था। ठीक है, जून में कौन सा महीना हो जाएगा, 6ठा, जुलाई में 7वां, और अगस्त में 8वां महीना हो जाएगा, और 2002 तो है ही। ठीक है, और कब हुई थी, 2 5
दो कोई थी वो, ठीक है, इस तरीके से वो हुई थी। बाकी तो सेम सेम है, कट जाएंगे तो पाँच में से, सॉरी आठ में से जब पाँच जाएंगे तो तीन बचेंगे, तो ये महीने वाले में है ना, तो कितने महीने की हो जाएगी वो, तीन महीने की हो जाएगी, ठीक है, कितने महीने की हो जाएगी, तीन महीने की हो जाएगी। अब कहते हैं अब बिंसी कितने साल की है, तो अब बिंसी कितने साल की है ये पूछ रहे हैं। तो अब क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है ना, और पैदा कब हुई थी, 2002 में पैदा हुई थी, तो मतलब जीरो में से तो दो जाएगा नहीं, तो यहाँ से एक हासिल लिया, यहाँ पे हो गया दस, दस में से दो गया कितना हुआ, आठ बचा, यहाँ पे एक बचा क्योंकि हासिल चला गया था, तो एक में से जीरो गया, एक बचा। अब जीरो में से जीरो गया जीरो, दो में से दो गया जीरो, मतलब कितने साल की हो गई है बिंसी, अब 18 साल की हो गई है, कितने साल की, 18 साल की हो गई है, ठीक है, 18 महीने नहीं है, साल है, ठीक है, 18 साल की हो गई है। अब क्या कहते हैं, उसके जन्म लेने के कितने महीने बाद उसका प्रमाण पत्र जारी हुआ, तो उसका प्रमाण पत्र कब जारी हुआ था उसका जन्म लेने के, तो पंजीकरण की तारीख जो है उसी दिन मिल गई थी, ठीक है, मतलब जिस दिन उसका जन्म हुआ था, ठीक है, उसी दिन, मतलब क्या थी उसकी तारीख, 2/5/2002 को पैदा हुई थी, तो यही उसकी तारीख है। अब पंजीकरण संख्या क्या है, 815/02, ठीक है, पंजीकरण संख्या क्या है, पंजीकरण जो संख्या है वो है 815/02, ये पंजीकरण संख्या है। अब कह रहे हैं आप पता करो आपका जन्म कब हुआ, तो ये आपको क्या करना है, आपकी माँ, आपको अपनी मम्मी से पूछना है कि आप कब पैदा हुए, उसकी तारीख आपको यहाँ पे लिखनी है, और आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो वहाँ पे आपको उसके बारे में बताना है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भरना है जन्म प्रमाण पत्र को देख के, तो ये सब काम तो आपको अपने घर में पूछ के करने होंगे, ठीक है, क्योंकि आपके घर में आपके घर वालों को पता होगा कि आप कब पैदा हुए, ये तो मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो भाई अब आगे चलते हैं, अब आगे आता है हमारा कैलेंडर, क्या आता है कैलेंडर, कैलेंडर कौन से साल का है, सन 2020 का है, इसमें क्या लिखा है जनवरी, ठीक है, सारे दिन दिए हुए हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये पूरा इन्होंने नहीं लिखा, फिर पहले वाला, पहला वाला जो आपको जूम करके दिखाते हैं, ठीक, अब सही है ना, तो ये जनवरी महीना जैसे कि इन्होंने दिया है, ठीक है, तो रा से हुआ रविवार, सा से हुआ सोमवार, माँ से हुआ मंगलवार, बू से हुआ बुध, वा से हुआ बृहस्पतिवार, सु से हुआ शुक्र, सा से हुआ शनि, और ये हमारी तारीख शुरू हुई, तो कहाँ तक गई है, 31 तारीख पर। तो जनवरी महीना जो होता है कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का होता है। फरवरी हमारी 28 दिन की भी होती है, 29 दिन की भी होती है, और जो 29 दिन की आती है वो 4 सालों के बाद आती है। अभी आप इतना जान लीजिए, आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्यों होता है, पर फरवरी को आप जान लीजिए 28 दिन की भी होती है और 29 दिन की भी होती है। अब आगे चलते हैं, मार्च होता है 31 दिन का, अप्रैल होता है 30 दिन का, मई भी हमारी 31 दिन की होती है, 30 दिन की नहीं होती है, 31 दिन की होती है, ठीक है। और मार्च के बाद क्या आता है हमारा जून, सॉरी मई के बाद हमारा जून है, जून हमारा 30 दिन का होता है। अब आगे चलते हैं तो हमारा आता है जुलाई, जुलाई 31, और अगस्त भी हमारा 31, सितंबर होता है 30, अक्टूबर होता है 31, नवंबर होता है 30, दिसंबर होता है 31, ऐसे ही हमारे महीने दिए हुए हैं। अब आगे क्या कहते हैं, कहते हैं चलो 2020 का कैलेंडर देखते हैं। तो भाई हमने तो हमारे 2020 का कैलेंडर जो है वो देख लिया, अब क्या कहते हैं एक साल में कितने महीने होते हैं, तो अभी हमने देखे एक साल में कितने महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, ठीक है। अब और क्या कह रहे हैं, ये उन महीनों की सूची बनाओ जिनमें 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन किन में होते हैं, आइए आपको फिर से दिखाते हैं। तो 30 दिन शुरुआत से चलते हैं, जनवरी में तो 30 दिन नहीं होते, फरवरी में भी नहीं होते, मार्च में भी नहीं होते, अप्रैल में होते हैं, जून में होते हैं, और जुलाई में भी नहीं होते, अगस्त में भी नहीं होते, सितंबर में होते हैं, अक्टूबर में नहीं होते, नवंबर में होते हैं, तो मतलब कितने महीने निकले, 4 महीने, ठीक है, 4 महीने हो, 4 महीने ऐसे होते हैं जिनमें 30 दिन होते हैं, कौन से, एक तो होता है हमारा अप्रैल, ठीक है, आप लिख लीजिए, मैं आपको बता दे रही हूँ अप्रैल, ठीक है, दूसरा क्या होता है जून,
ठीक है। फिर होता है जून लिखा है, सॉरी, ठीक है, वो डिजिटल पेन है ना इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। जून, फिर जून के बाद जुलाई नहीं होता है, अगस्त भी नहीं होता, सितंबर होता है, ठीक है, सितंबर, फिर सितंबर के बाद नवंबर, ये हमारे 30 दिन के होते हैं। अब ये कह रहे हैं उन महीनों की सूची बनाओ जो 31 दिन के होते हैं, तो ये भी आप देख लीजिए। तो 31 के महीने ये होता है जनवरी होता है, मार्च होता है, फरवरी नहीं होता है, फरवरी ना 30 दिन की होती है ना 31 दिन की होती है। फिर हमारा मई नहीं, सॉरी, अप्रैल नहीं होता है, ठीक है, मई होता है, जून नहीं होता है, तो हमारे पास क्या आ गया है, जनवरी, मार्च और मई आ गया है। फिर अब आगे चलते हैं, जुलाई भी होता है, अगस्त भी होता है, सितंबर नहीं होता है, अक्टूबर होता है, नवंबर नहीं होता है, दिसंबर होता है, मतलब चार नीचे मिले हैं, ऊपर हमको कितने मिले थे, 5, 6, 7, ठीक है, 7 हैं टोटल। कितने महीने 31 दिन के होते हैं, 7 महीने होते हैं ऐसे जिनको 31 दिन के होते हैं, 4 महीने ऐसे होते हैं जो 30 दिन के होते हैं, तो 7 कितने हुए, 11 हुए ना टोटल, पर एक महीना ऐसा होता है जो 29 दिन का होता है, तो एक वो हमने जोड़ लिया, तो टोटल हमारे 12 महीने हो गए। इस तरीके से आप लिख सकते हो। और कौन कौन से महीने होते हैं मैंने आपको अभी बताया है, वो लिख लेना, जैसे कि जनवरी, ठीक है, मैं लिखूंगी नहीं क्योंकि लिखने में काफ़ी टाइम लग जाता है, आप सुन लीजिए ध्यान से, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ठीक है, इस तरीके से 7 महीने हो गए। अब क्या कह रहे हैं, इस साल की फरवरी के महीने में कितने दिन हैं, तो भाई इस साल की फरवरी में कितने दिन हैं, तो आपको बता दें इस साल की जो फरवरी थी उसमें हमारे 29 दिन थे। 29 दिन के थे, हमको कैसे पता चला, इसलिए पता नहीं चला क्योंकि ये साल का 29 दिन जो थे निकल चुके हैं, या मैंने कैलेंडर से देख लिया, ऐसे नहीं पता किया मैंने। क्या किया, सिंपल से आपको बताते हैं एक ट्रिक। 2020 था ना ये साल, जो भी साल चल रहा हो उसको हमें किससे भाग करना है, 4 से भाग करना है, ठीक है, तो ऐसे तो आप भाग नहीं समझ पाओगे, ऐसे करते हैं, तो 4 × 5 = 20 होता है ना, आया 20, ठीक है, पूरा कट गया, अब हमने 2 उतारा, ठीक है, और फिर हमने 0 उतार दिया, फिर 4 × 5 = 20, मतलब पूरा हमारा ये कट गया है, जो भी था कोई भी शेष नहीं बचा है, जहाँ पे शेष ना बचे समझ लो उसमें 29 दिन होते हैं। इस तरीके से मैंने पता कर लिया कि फरवरी में कितने दिन थे इस महीने की, 2020 की फरवरी में कितने दिन थे, 29 दिन थे। अब कहते हैं एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, क्या कह रहे हैं ये, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो एक सप्ताह में भाई 7 दिन होते हैं। और अब क्या कह रहे हैं, जुलाई में कितने सप्ताह हैं, क्या यह सभी महीनों के लिए वही सही हैं, तो मतलब ये कह रहे हैं कि जुलाई में कितने सप्ताह होते हैं और सभी महीनों के लिए सही हैं, तो ये जो होता है यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो जुलाई में कितने सप्ताह हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, ये तो हमारी लाइनें हुई, ठीक है, तो जुलाई में जो एग्जैक्ट इस महीने की बात करते हैं 3 सप्ताह हैं, ठीक है, 3 सप्ताह हैं जुलाई में, और पूरे जो हमारे 5 से लेकर 25 तक हमारे 3 सप्ताह बने हैं, पर इस तारीख को मैं अगर यहाँ पे इसको कवर कर लेती हूँ तो हमारे 4 सप्ताह हो गए। 4 सप्ताह मतलब कि 3 दिन हमारे एक्स्ट्रा हैं, 4 सप्ताह और 3 दिन हमारे एक्स्ट्रा हैं, तो जुलाई में कितने सप्ताह होते हैं, 4 सप्ताह होते हैं, ठीक है, और यह सभी महीनों के लिए सही हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि हर जुलाई में 4 सप्ताह ही हों, जैसे कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है, जैसे कि अगर मैं आपको कहीं पे दिखाऊँ कोई ऐसा महीना आपको दिखे है, तो इसमें ऐसा कोई महीना नहीं है, ठीक है, जो मैं आपको दिखा सकूँ, तो फ़िलहाल आप यही मतलब कि जुलाई में कितने सप्ताह होते हैं, ये 4 सप्ताह होते हैं, ठीक है, मैं आपको कुछ और बताना चाहती थी पर वो आपके लेवल से थोड़ा ऊपर हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा,
ठीक है, तो आप ये अभी जो मैं बताना चाहती हूँ वो रहन दीजिए। तो आप ऐसे ही समझ लीजिए जुलाई में कितने सप्ताह, यानी हर महीने में चार ही सप्ताह होते हैं, ये आप मान लीजिए, मान कह लीजिए ऐसा ही होता है, हर महीने में चार सप्ताह होते हैं। तो जुलाई में भी सप्ताह जो होंगे चार ही होंगे, पर जो दिन होते हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं, वो बात अलग है। मैं आपको वो जब आप आगे के लेवल में जाएंगे, आगे की क्लास में जाएंगे, तो मैं आपको बाद में समझाऊंगी, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, कौन से महीने में तुम कक्षा तीन में गए आए थे, तो जुलाई से हमारी क्लासेस जो होती हैं, नई क्लासेस जुलाई से शुरू होती हैं, तो हम जुलाई महीने में कक्षा तीन में आए थे। तो ये अब कहते हैं इस कैलेंडर में निश्चित गई तारीखों पर घेरा बनाओ, जैसे 26 जनवरी, 14 नवंबर, 31 दिसंबर। तो 26 जनवरी, आइए देखते हैं 26 जनवरी हमारा कहाँ है। तो 26 जनवरी जो है हमारा ये है, 26 जनवरी हमारा ये है, ठीक है। और अब इन्होंने क्या बोला था, 14 नवंबर, ठीक है, 14 नवंबर ये है हमारा, ठीक है, कहाँ है हमारा 14 नवंबर, 14 नवंबर हमारा ये है। फिर उन्होंने कहा था 31 दिसंबर, 31 दिसंबर हमारा ये है। इस तरीके से हमको घेरा बनाना था, जो हमने बना लिया। अब क्या कहते हैं ये, अब कहते हैं क्या इन तारीखों में कुछ खास है, तो भाई इन तारीखों में कुछ खास तो ये है, 26 जनवरी को हमारा क्या होता है, गणतंत्र दिवस होता है, 14 नवंबर को क्या होता है, बाल दिवस होता है, और 31 दिसंबर जो होता है वो हमारा साल का आखिरी महीना होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब कह रहे हैं खाली जगह में ठीक ठीक साल भरो, 2 साल पहले कौन सा साल था, तो 2 साल पहले की बात कर रहे हैं, मतलब आज कौन सा साल चल रहा है, 2020, 2 साल पहले की बात कर रहे हैं, मतलब क्या आ जाएगा, 2018 आ जाएगा ना, 2 साल पहले 2018 ही तो होगा, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2018। अब ये क्या कहते हैं, कौन से साल में तुम कक्षा दो में थे, तो 2000 आपकी क्लास कौन सी, कक्षा तीन है ना, मतलब 1 साल पहले, मतलब एक साल पहले आप कक्षा दो में थे, 1 साल पहले मतलब 2019 में आप कक्षा दो में थे। अब कह रहे हैं कौन सा साल अगला साल होगा, तो 2020 चल रहा है, तो 2021 जो होगा वो अगला साल होगा, ठीक है। अब कह रहे हैं कौन सा साल 3 साल बाद आएगा, तो 2020 चल रहा है, 2020 में हम 3 जोड़ेंगे, ठीक है, 2023 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 2023 लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा सारा हो जाएगा। और यहाँ पे एक बात दी गई है टीचर्स के लिए, भाई हम भी देख लेते हैं क्या इन्होंने लिखा है। ये कहते हैं यह अध्याय छात्रों को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है कि विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों से वे अपनी ज़िंदगी में समय के गुजरने को कैसे देखते हैं। यह आवश्यक है कि उनमें सेकेंड, मिनट, घंटों, महीनों आदि का अंदाज़ा लगाने की क्षमता विकसित हो बजाय इसके कि वे समय मापने की यांत्रिक प्रक्रिया में पड़े। यह अध्याय बच्चों को कुछ मनोरंजन गतिविधियों का माध्यम से घड़ी कैलेंडर का इस्तेमाल करना भी बताता है। शिक्षक ऐसे ही कई अभ्यास करा सकते हैं जो कक्षा में पैटर्न और समृद्धता से जुड़े हों, जैसे कि आपसे इन्होंने कथक भी कराया, कई सारी डांस कराया, ये भी कराया, वो कराया, तालियां बजवाई, ये मतलब आपको मनोरंजन भी दे रहे हैं, साथ में पढ़ाई भी दे रहे हैं, ये इनका लक्ष्य है, आप खेलते खेलते आप पढ़ना सीखें, तो ठीक है। तो यहाँ से हमको पढ़ाना है, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इस चैप्टर के उसमें पढ़ाऊंगी, ठीक है। और जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो भी आप सुन के जाइए, ठीक है। वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि भाई आपको क्या करना है, आपको हमें गुरु दक्षिणा देनी है। गुरु दक्षिणा आप सोच के डरिएगा नहीं, मैं आपसे किसी तरह का कोई पैसा नहीं ले रही हूँ। गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है कि हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है, सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने का मतलब ये नहीं है कि आपसे कोई पैसा पड़ेगा, आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो भी सुन लीजिए आप, ठीक है, वो ये है कि हमारे चैनल पे इस टाइम ऑफ़र चल रहा है कि एक दिन में आप कम से कम 15 लोगों को अगर आप शेयर करेंगे तो आपको प्यारे प्यारे गिफ्ट मिलेंगे। अगर आप वो गिफ्ट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो इसकी डिटेल में जो वीडियो है वो आप पुरानी कुछ वीडियो उनमें आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हमको पढ़ाना है कल, हमको पढ़ाना है पेज नंबर 104 से, ठीक है।